सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम हम कैसे लगाएंगे और कहां लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि हम बोर्ड मास का जो रूल है वो कहां लगाएंगे। हम बोर्ड मास का रूल वहां पर लगाएंगे जहां पर ब्रैकेट और भाग का चिन्ह, गुना का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और का ऑफ, ये सभी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में दी गई हों, वहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम यूज़ करेंगे। और वहाँ पर उसको सोल्व करने के लिए बोर्ड मास के रूल की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप किस चिन्ह को अप्लाई करोगे, किस चिन्ह को लगाओगे, किस माध्यम से करोगे क्वेश्चन को, वहाँ पे समझ में नहीं आता कि आप किस चिन्ह को पहले अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम पर ध्यान देना है और ये बोर्ड मास वर्ड जो लिखा हुआ है ये आपको याद हो। इसका अर्थ ये है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में दिए गए एक ब्रैकेट जो है उन्हें हल कीजिए। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में आप ऑफ, और यदि क्वेश्चन में कहीं ऑफ दिया गया है का, तो फिर उसको सोल्व करेंगे का को। उसके बाद में डिवीज़न भाग, डी फॉर डिवीज़न। फिर आप भाग को सोल्व करेंगे, डिवीज़न को सबसे पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, गुना, जहां पे गुना का चिन्ह दिया गया होगा उन दो संख्याओं के बीच को आप सोल्व कर देंगे गुना के चिन्ह को देखते हुए। फिर आफ्टर उसके आप एडिशन या सब्ट्रैक्ट कोई सा भी कर सकते हैं। पहले एडिशन है तो आप एडिशन करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप घटाओ करेंगे। एक बार फिर देख लेंगे बोर्ड मास का रूल, आप इसको याद रखेंगे, BODMAS बोर्ड मास का नियम है ये। और इसी के क्रम अनुसार आप क्वेश्चन में जो चिन्ह दिए गए हैं, ब्रैकेट्स दिए गए हैं, उन्हें आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बी है, बी में ब्रैकेट्स, बी का अर्थ है ब्रैकेट कोष्ठक। सबसे पहले आप अपने दिए गए क्वेश्चन में कोष्ठक को सोल्व करेंगे। इसके बाद में ऑफ है, ऑफ और ऑफ, ऑफ का अर्थ है का। उसके बाद में आप का को सोल्व करेंगे। उसके बाद है डी, डिवीज़न, आप डिवीज़न का मतलब भाग को सोल्व करेंगे। भाग को सोल्व करने के बाद में है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है गुना, आप गुना को सोल्व करेंगे। एडिशन, ए फोर एडिशन, फिर एडिशन को सोल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। ये चिन्ह आप अप्लाई करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ हमारी बुक में, हम उन क्वेश्चनों के 2-3 एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। आशा है कि आप उन क्वेश्चनों को करके हमें वापस। क्वेश्चन है 2 + 6 = 3 - 1, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप बोर्ड मास का रूल इसमें सबसे पहले अप्लाई करेंगे। आप बोर्ड मास का रूल लिख लीजिए, BODMAS। तो सबसे पहले इन सभी में से आपको देखना है कौन सा चिन्ह आपको अप्लाई करना है और कहां पर वो आ रहा है। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ब्रैकेट छोड़ देंगे। ओ इसमें है नहीं, ऑफ छोड़ देंगे। डिवाइड, डी डिवीज़न, सबसे पहले आप डिवाइड का चिन्ह सोल्व करेंगे, ये है इतने में। इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है, इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि बोर्ड मास में ये ही सबसे पहले है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, 3 से 6 को भाग देंगे, 6 को 3 से भाग देंगे, 3 × 6, कोई शेषफल नहीं बचा, पूरा सॉल्व हो गया है। अब आप लिख देंगे 2+, इसके बाद ये अधिक जानकारी के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पे आपको नोट्स आप देखेंगे। अब आपको कौन सा जो चिन्ह अप्लाई करना है, एडिशन चिन्ह आपको अप्लाई करना है, ये वाला। तो इसमें आप 2 × 2 = 4 - 1 = 3, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। फिर दोबारा एक बार देख लेंगे, 2 + 6 / 3 - 1, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप बोर्ड मास का ये रूल ध्यान में लाएंगे। सबसे पहले बी है ब्रैकेट्स, इसमें कहीं भी है नहीं। उसके बाद में ओ है, ऑफ इसमें कहीं नहीं है। डिवाइड, डिवीज़न इसमें है इतने में। इतने को आप सोल्व करेंगे इस तरीके से, 2 आएगा। 2 आने के बाद में आपका सोल्व हो गया, 2 आया, 2 को वहाँ पर लिख देंगे। फिर आप आगे ही चलेंगे, आगे मल्टीप्लीकेशन इसमें कहीं नहीं है, इसमें एडिशन है, आपने ऐड किया सबसे पहले 2 × 2 = 4, फिर सब्ट्रैक्ट है, अब हमने घटा दिया, 4 में से गया 3 बचा। अपना एक दूसरा क्वेश्चन वो कैसा है, 3 × 5 + 2 - 10
डिवाइड बाय 4+1, ब्रैकेट में 4+1 दिया गया है। अब की बार क्वेश्चन में ज़्यादातर चीज़ें कुछ ज़्यादातर जो चिन्ह है वो आपको दिए गए हैं, उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप बोर्ड मास का रूल BODMAS ये इसको सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले ब्रैकेट्स, तो ये वाला ब्रैकेट्स आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये वाला ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स है छोटा ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स की नॉलेज भी एक वीडियो में दी गई है, कौन सा ब्रैकेट कैसे बनता है कैसे लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप इसे सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 4 और 1, प्लस का चिन्ह दिया गया है 4 और 1 5। अब हम सबसे पहले इसको सोल्व करके लिखते हैं 5+2-10 और ये डिवाइड बाय 5, ये जो जुड़कर हो गया है 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ऑफ इसमें है ना, ये डिवाइड है। सबसे पहले अब इसमें डिवीज़न सोल्व करेंगे। डिवीज़न ये है 5 को 10 से जैसे ही भाग देंगे आएगा आपका 2, 5 × 10 ये वाला लिख देंगे हम इसकी जगह 3 × 5 2-2। अब इसके बाद में देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा चिन्ह है जो हमें सॉल्व करना है। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, कितने में है इतने में है, ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। इसको आप अब इसको सॉल्व करेंगे 3 × 15+2-2। अब आप कोई सा भी चिन्ह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों जुड़कर एडिशन आया, एडिशन 17 हो गया। 17 में से फिर 2 गए 15 बचे, उत्तर आया है आपका 15। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद में इसमें कहीं ऑफ है या नहीं है ये देखेंगे, ऑफ इसमें कहीं भी नहीं है। फिर डिवीज़न, डिवाइड इसमें कहीं डिवाइड है, डिवाइड ये रहा, इसको सॉल्व होके 5 आया, डिवाइड होके इसको दोनों को 2 आया, हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में डिवाइड होके जब 2 आ जाएगा फिर हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, इसमें गुना का चिन्ह कहीं है, गुना का चिन्ह इन दोनों के बीच है, फिर आप इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद में ये सब चिन्ह लग जाएंगे जैसे हैं, प्लस का चिन्ह सोल्व करेंगे उसके बाद में माइनस का चिन्ह और फिर आपका उत्तर। क्वेश्चन है हमारा 45/5+1। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बोर्ड मास का जो रूल है वो, एक रैप पे लगता है घूम जाएगा तू, नहीं चमचा सा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये है 45/5+1। इस क्वेश्चन में भी बोर्ड मास का रूल का यूज होगा। सबसे पहले आप लिख लेंगे BODMAS, लिख लिया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से चिन्ह दिए गए हैं। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, डिवाइड है क्या, डिवाइड है इसमें। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, इतने को सोल्व करेंगे। सबसे पहले 45/5, जैसे ही 45 को 5 से भाग देंगे तो 5 × 45 पूरा कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये 9 आया है, 9 को हम यहाँ लिख देंगे 9+1। अब इसमें कौन सा चिन्ह है, एडिशन, 9 और 1 10, सोल्व हो गया, सोल्व हो गया आपका उत्तर आ गया 10। फिर एक बार इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है 45/5+1। क्वेश्चन में सबसे पहले बोर्ड मास का नियम, बी ब्रैकेट्स इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, डिवाइड इसमें है, तो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 5 से भाग देंगे 45 को तो 9 आएगा, 9 लिख दिया, प्लस का चिन्ह और 1, 9 और 1 10, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है और 10 इसमें आंसर आ चुका है। इस तरह से हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ब्रैकेट में -7+-12 और डिवाइड बाय 4। सबसे पहले आप उसी रूल को देखेंगे, बोर्ड मास का नियम। इसमें देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा चिन्ह आया गया है।
सबसे पहले ये आया है इसमें डिवाइड, डिवाइड है इन दोनों के मध्य। सबसे पहले आप इस डिवाइड को सोल्व करेंगे, उससे पहले भी इसमें ब्रैकेट आया है और उसके पहले प्लस का चिन्ह है, तो सबसे पहले ये ही हमें सोल्व करना है माइनस का 7, और इसके यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12 आ जाएगा, माइनस के 12 और डिवाइड बाय 4, इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद में डिवाइड आया है तो डिवाइड सोल्व करेंगे, डिवीज़न इस चिन्ह को सोल्व करेंगे, 4 से इस माइनस के 12 को भाग देंगे, 12 से 12 को 4 से भाग, 4 तिया 12, कैंसिल आउट 3 आया, माइनस के 7 और माइनस के 3, ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया है। अब आप देखते हैं इसमें ये वाला ब्रैकेट में है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हटा दो इसको, माइनस के 3। अब माइनस के 3 और माइनस के 7 दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे ये हो जाएंगे माइनस के 10। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपको देखना है इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, उसके बाद में जैसे ही हम इन दोनों को सोल्व कर दें, इस डिवाइड को सोल्व करते हैं, इसको ये आता है आपका 4 तिया 12। इसको सोल्व करने के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में इस ब्रैकेट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस का 3 आया था, माइनस के 7 ऐसा ही लिख दिया, उसके बाद में माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 10, ये माइनस के 10 इन दोनों को जोड़ने के बाद में माइनस का 10 आया है। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चनों को कर लीजिए जो आपको दिए गए हैं।